प्रदेश के हरदोई में बाल विद्या भवन स्कूल में आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट बनाए जाने के ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया। उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जुमे की नमाज में आखिर क्यों भय और आतंक का वातावरण होता है। मुस्लिम धर्म गुरु स्पष्ट करे कि वहां कौन से खुदा की इबादत होती है। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के अरविंद केजरीवाल के पाकिस्तान कनेक्शन पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिताओ, भाजपा को हराओ, इसका मतलब है कि उनके संबंध पाकिस्तान से है। केजरीवाल स्पष्ट करे कि वह देशभक्तों के साथ है या देशद्रोहियों के साथ। बाल विद्या भवन स्कूल में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरी ने कहा कि राम मंदिर के लिए कितने बलिदान संघर्ष हुए, यह केवल एक राम मंदिर का विषय नहीं था, एक विचार की लड़ाई थी। भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए धार्मिक स्थल नष्ट नहीं किए गए थे, जिसका इतना लंबा संघर्ष चला था। हम केंद्र में मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश तरुण गोगोई को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने इतना पेन लिया। उन्होंने कहा कि आज साधु सन्यासियों में भी बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल है कि सरकार ने ट्रस्ट का नाम घोषित किया है और ट्रस्ट भी जल्दी बन जाएंगे। जिनके धर्म में आस्था है, जिनमें संपन्न भाव हो, वही ट्रस्ट में शामिल हो और बहुत जल्दी विश्व का एक भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी अपनी बधाइयां देनी चाहिए। आप भी देखें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने और क्या कुछ कहा। ऐलान हो गया है तो किस तरह से देखते हैं और क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, राम मंदिर के लिए और कितने बलिदान हुए हैं, कितना लंबा संघर्ष हुआ है, और ये केवल एक राम मंदिर का ही विषय नहीं था, एक विचार की लड़ाई थी। भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए जो धार्मिक स्थल नष्ट करे गए थे, जिसका इतना लंबा संघर्ष चल रहा था, तो हम इस सरकार को, जो केंद्र में मोदी सरकार है और साथ ही साथ भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय में भी उस समय तत्कालीन जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गोगोई थे, जिन्होंने इतना पेन लिया, रात लगातार कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं चला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये विषय अब समाप्त होना चाहिए, इस पर निर्णय आना चाहिए, और बहुत सटीक निर्णय उन्होंने दिया, अति उत्तम निर्णय दिया और इस समस्या का समाधान किया है। और सरकार को कहा ट्रस्ट बनाओ, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है और साधु संन्यासियों में, भारत के साधु समाज में बड़ा हर्षोल्लास इस बात को लेकर है कि सरकार ने ट्रस्ट का नाम घोषित किया है और ट्रस्टी भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। हमने केवल इतना कहा है कि जिनकी धर्म में आस्था हो और जिनके अंदर समर्पण भाव हो, वही ट्रस्टी बने, कोई भी ट्रस्टी बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी विश्व का एक अद्वितीय केंद्र, भगवान राम की जन्मभूमि पर राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। और इसके लिए मैं समझता हूँ मुसलमान जो धर्मगुरु हैं उनको भी अपनी बधाइयाँ देनी चाहिए। और आजकल जो देश के अंदर थोड़ा नागरिकता कानून को लेकर माहौल बना है, प्रायोजित माहौल है, ऐसे में मुसलमान धर्मगुरुओं की ये जिम्मेवारी बनती है, वो सामने आएँ और सामने आकर वो बताएं कि यह कानून देश हित में है, राष्ट्र हित में है, सबके हित में है। वो चुप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि वो चुप क्यों है। एक मामला आपने उठाया है, क्या एक मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये जरूर अपील करूंगा कि हमारे यहाँ जब पूरे विश्व में जब आदमी थोड़ा आक्रोशित होता है या उसके अंदर उग्र विचार होते हैं या वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है, अगर वह किसी धर्म स्थल की शरण जाए, पूजा स्थल में जाए, इबादत गाह में जाए, तो स्वाभाविक रूप से उसकी उग्र वृत्ति शांत हो जाती है। आखिर जुम्मे की नमाज में इतना भय का वातावरण क्यों रहता है, आतंक का वातावरण क्यों रहता है, इतनी पुलिस फोर्स वहाँ क्यों लगाई जाती है,
बाकायदा पुलिस फोर्स पूरे अपने हेलमेट वेलमेट और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों खड़ी होती है, किस बात का भय है? और जुम्मे की नमाज के बाद पूरे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि निकलने के बाद मारो, काटो, तोड़ो, फोड़ो, आग लगाओ, ये करो, जलाओ। आखिर वहाँ किस बात की इबादत होती है, कौन से खुदा की इबादत होती है जिसका परिणाम ये निकलता है? मुस्लिम धर्म गुरु जब वो कहते हैं कि इस्लाम धर्म अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है, तो स्पष्ट करें कि जुम्मे की नमाज के दिन आखिर यह क्यों होता है। सर, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पाकिस्तानी करार दे दिया था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत था कि इस तरीके का जो है बयान मेरे ऊपर दिया गया। देखिए, चुनाव के समय बयानबाजी होती है और सब लोग बयान देते हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा जी को भी मैं सहमत नहीं हूँ, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए पाकिस्तान का मंत्री और वहाँ से कहता है केजरीवाल को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, तो भाई पाकिस्तान से इनके संबंध क्या हैं? जब किसी भी आतंकवादी की बात होती है, चाहे वो अफजल गुरु की बात हो या किसी और की बात हो, केजरीवाल साहब उनके साथ खड़े हुए मिलते हैं, उनके समर्थन में मिलते हैं, तो केजरीवाल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वह देशभक्तों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ है। अनुराग ठाकुर ने एक गोली और गाली का बयान दिया था, तो उसको लेकर के 3 बार गोलियां चल चुकी हैं। अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है, उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कहा है देश के गद्दारों, उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा, किसी जाति विशेष को नहीं कहा, किसी धर्म विशेष को नहीं कहा, और देश के गद्दारों, उनके साथ तो व्यवहार ही गद्दार वाला होना चाहिए। ये बात अलग है कि इस व्यवहार के लिए कानून बना है, सरकारें बनी हैं, पुलिस फोर्स बनी है, तो ये काम उनका है, जनसामान्य का नहीं है। और जो ये जो शाहीन बाग है, ये तो पूरी तरह से प्रायोजित एक धरना प्रदर्शन है। दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और कुछ लोगों को जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में सदैव अशांति फैला कर रखना चाहते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारत का निर्माण हो। एक नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी दिखा दिया है किस प्रकार से रोज़ दिहाड़ी मिल रही है, खाने को मिल रहा है। आखिर मुसलमानों की औरतें और गोद के बच्चे प्रदर्शन, गोद के बच्चों का क्या मतलब है, मुसलमानों की औरतों का क्या मतलब है, आदमी मर गए क्या उनके? इस्लाम में भी कहा है औरतें जिहाद के लिए तब निकलें जब सारे मर्द उनके समाप्त हो जाए, तो क्या इस्लाम के मर्द खत्म हो गए हैं क्या? और केवल एक इस्लाम धर्मावलंबियों को ही इसका विरोध क्यों लग रहा है? उनकी कौन सी नागरिकता जा रही है? वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनके बाप दादा यहाँ पैदा नहीं हुए क्या? उन्होंने हमसे, हिंदू समाज से, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू राम के होने का प्रमाण पत्र मांगा। कांग्रेस ने एक समय हलफनामा दाखिल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम पैदा ही नहीं हुए, राम एक काल्पनिक घटना है, राम का चरित्र। हमसे लाखों वर्ष पुराने राम के कागज मांगे और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में वो कागज दे दिए, उस आधार पर निर्णय हो गया। आज इनसे इनके बाप का नाम पूछा जा रहा है, इनके अब्बा का नाम पूछा जा रहा है, ये अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि इनका अब्बा कौन है, इनके बाप दादा कौन है। एक कागज ही तो मांगा जा रहा है, क्या ये इस देश में पैदा नहीं हुए हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर अनाधिकृत रूप से घुसे हुए हैं, इस देश में जन्मे नहीं है। इस देश में इस कानून से बड़ी खुशी है, बड़ी हर्ष की लहर है कि हमारे देश में नागरिकता, एक अच्छी नागरिकता, स्पष्ट नागरिकता हमको मिलेगी। विरोध वही कर रहे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं से जो घुसपैठियां हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों, चाहे पाकिस्तान से आए हों, चाहे कहीं से भी आए हों, वही विरोध कर रहे हैं, और कोई इसका विरोध नहीं। शाहीन बाग का रास्ता कब खुलेगा? शाहीन बाग का रास्ता तो मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली का चुनाव हो जाए, उसके बाद कोई नहीं मिलेगा।
या उनको दिहाड़ी मिलनी बंद हो जाए, सब अपने घर पहुंच जाएंगे दो मिनट में। जब तक दिहाड़ी मिल रही है, बिरयानी मिल रही है और बिना कुछ किए आराम से बैठने की मिल रही है, तब तक लोग बैठे हैं। कोई उनको CAA से मतलब नहीं है, नागरिकता कानून से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको आराम से दिहाड़ी मिल रही है, भड़काने वाले लोग भड़का रहे हैं और दिल्ली चुनाव होते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। तमाशा JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।